बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो डिज़ीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये कैनाइन की डिज़ीज़ है और हेपेटाइटिस और लीवर को डैमेज करती है। डेफिनेशन, इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस एन एक्यूट हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ ऑफ डॉग्स। ये डॉग्स की वायरल डिजीज़ है विच इज़ करेक्टराइज बाई हाई राइज ऑफ टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जॉन्डाइस, डायरिया, वोमिटिंग एंड कन्वल्जन। जॉन्डाइस होती है, डायरिया हो जाता है, वोमिटिंग और कन्वल्जन के झटके लगते हैं। एटियोलॉजी, इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस इज काज बाय टू स्ट्रेन्स ऑफ अडीनो वायरस। ये अडीनो वायरस काज करता है, कैनाइन एडीनो वायरस वन और कैनाइन एडीनो वायरस टू, दो स्ट्रेन्स होते हैं जो कैनाइन हेपेटाइटिस काज करते हैं। सम लिटरेचर शोन दैट देर आर थ्री स्ट्रेन्स, टू ऑफ देम काज हेपेटाइटिस एंड वन काज रिस्पायरेटरी सिम्टम्स। कुछ किताबों में ये हमने पढ़ा है कि इसके तीन स्ट्रेन हैं, जो दो इसके अंदर से हेपेटाइटिस काज करते हैं और तीसरा रिस्पायरेटरी सिम्टम्स शो करता है। दे प्रोड्यूस कम्प्लेक्स विच कन्फ्यूज विद डिस्टेंपर। ये कैनाइन डिस्टेंपर के साथ इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इस डिजीज़ की। इट इज़ अ डीएनए वायरस। ये डीएनए वायरस है एंड इज़ रिलेटिवली हार्डी एंड कैन सर्वाइव फॉर मंथ्स इन द इन्वायरमेंट अंडर आइडियल कंडीशन। इट इज़ रेजिस्टेंट टू लिपिड सॉल्वेंट लाइक ईथर, अल्कोहल एंड क्लोरोफाम एंड ससेप्टिबल टू आयोडीन एंड लाइसोल। ससेप्टिबल होस्ट डॉग्स ऑफ ऑल एज, स्पेशली पपीज एंड फॉक्सीज इज अफेक्टेड बाई दिस डिजीज। कुत्ते, हर 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 उम्र का कुत्ता और मोस्टली पपीज और फॉक्सीज, लोमड़ियों के अंदर ये डिजीज पाई जाती है। ट्रांसमिशन, इट इज़ ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड यूरिन, सलाइवा एंड फीसीज। ये यूरिन और पेशाब, थूक और गोबर के जरिए, फजले के जरिए से ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमिटेड बाई इन्हेलेशन, सांस लेने के अमल से ट्रांसमिट होती है। इंजेशन, इंजेशन के थ्रू फ्लीज, टिक्स, मॉस्किटोज, और फ्लीज, टिक्स, मॉस्किटोज इसको वैक्टर के तौर पर काम करते हैं जो ट्रांसफर करते हैं इस डिजीज़ को। फर्दर मोर, द डॉग दैट हैव रिकवर्ड फ्राम दिस डिजीज कैन स्टिल बी इन्फेक्शियस टू अदर डॉग्स फॉर मोर देन 6 मंथ्स। यंग पपीज आर पार्टिकुलरली ससेप्टिबल टू दिस डिजीज। पैथोजेनेसिस, ओरो नेजल इन्फेक्शन इज फॉलोड बाई रिप्लीकेशन इन टॉन्सिल्स एंड पेयर पैचेज अदर लिम्फेटिक टिश्यू। सबसे पहले ओरो नेजल इन्फेक्शन होता है, फिर उसके बाद टॉन्सिल्स, पेयर पैचेज और लिम्फेटिक टिश्यू में रिप्लीकेट करता है इसका वायरस। अ वायरिमियस प्रोड्यूस वायरिमिया हो जाता है एंड कैनाइन एडीनो वायरस वन सेकेंडरीली लोकलाइज, स्ट्रेन वन जो है वो लोकलाइज हो जाता है, रिहाइश पजीर हो जाता है एंड रिप्लीकेट इन द लीवर, लीवर के अंदर रहने लग जाता है और वहाँ रिप्लीकेशन शुरू कर देता है। एंड किडनी को, किडनी के अंदर एंडोथीलियल सेल्स ऑफ रीनल ग्लोमेरुलाई एंड द कॉर्निया एंड द यूविया। और किडनी के अंदर एंडोथीलियल सेल्स में और कॉर्निया में और यूविया में भी ये रिहाइश पजीर हो जाता है। ड्यू टू इन्फेक्शन अम्यून कम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैन लीड टू ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। इस इन्फेक्शन की वजह से ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस हो जाता है। इम्यून कम्प्लेक्सिस मे आल्सो काज कॉर्नियल एंड यूवियल इन्फ्लेमेशन। परसिस्टेंटली इन्फेक्टेड डॉग मे शेड वायरस इन देयर यूरिन फॉर अप टू 6 मंथ। सिम्टम्स रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर, अक्यूट, पर अक्यूट एंड अन अपेरेंट लॉस ऑफ एपिटाइट, इंक्रीज टेम्परेचर, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, जॉन्डाइस, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज एंड गम्स, इनलार्ज्ड एब्डोमेन, सीजर एंड कोमा, डेथ अकर विद इन 5 डेज, कॉर्नियल ओपेसिटी। व्हेन देयर इज टू मच फ्लूइड बिल्ट अप इन द स्टोमिक, additional inflammation and pain can be felt in the abdomen. From that inflammation, while nausea can be caused by the effects of the hepatitis. Postmortem examination, यानी कि इसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया जाए तो उसके अंदर मंदरजा झील निशानियाँ, अलामत नजर आती हैं। द लीवर इज इनलार्ज एंड फिब्रिल। लीवर बड़ा होता है साइज में और कमज़ोर होता है। दिस हेपाटाइटिस लीड टू साइट्स एंड फिब्रिनियस ऑफ फिब्रिनो हेमरेजिक एडहीजन कैन समटाइम बी सीन बिटवीन द लोब्स ऑफ द लीवर। और अदर ऑर्गन मे ऑल्सो शो चेंज, फॉर एग्जाम्पल द वॉल ऑफ द गॉल ब्लेडर मे बी एडिमेटस। गॉल ब्लेडर की दीवार के अंदर एडिमा शो हो जाता है। लिम्फ नोड कैन बी इनलार्ज, लिम्फ नोड साइज में बड़ी हो जाती हैं, रेड एंड रेड कलर की हो जाती हैं और हेमरेजिक हो जाती हैं। इन क्रॉनिक केसेज लिम्फ
लीवर में भी स्मॉल फिब्रोटिक और सिरोटिक। क्रॉनिक केसेस के अंदर लीवर साइज में छोटा हो जाता है और फिब्रोटिक फाइबर्स वाला हो जाता है, सिरोटिक हो जाता है। हिस्टोपैथोलॉजी रिवील सेंट्री लोबुलर नेक्रोसिस। हिमाटोक्सिलिन एंड योसिन स्ट्रेनिंग ने रिवील्स बेसोफिलिक इंट्रानिकुलर इन्फ्यूजन बॉडीज इंक्लूजन बॉडीज इन हेपेटोसाइट एंड मैक्रोफेज। इट इज पॉसिबल टू यूज इम्यून फ्लोरिसेंस टू स्टेन फॉर वायरल इंटीजन इन वेरियोस्कुलर एंडोथीलियम। डायग्नोसिस हिस्ट्री क्लिनिकल साइंस पोस्टमार्टम लेजन लैब टेस्ट अबनॉर्मल ब्लड टेस्ट दैट अकर इन इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस अराइजिंग एंटीबॉडी टाइटर टू कैनाइन एडिनोवायरस वन इज ऑल्सो सीन। डिफरेंशियल डायग्नोस एक्टीरियस लेप्टोस्पायरोसिस लेप्टोस्पायरा एक्टीरोहेमरेजिक इन्फेक्शन एटोम्यून हिमोलिटिक एनीमिया अदर हिमोलिटिक डिजीज सिरोसिस बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और रपच्योर सीवियर डिजीज विद कोलैप्स पेलर पायरेक्सिया एब्डोमिनल पेन कैनाइन पार्वोवायरस इन्फेक्शन एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड टॉक्सिसिटी अक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इंटरसेप्शन अदर एब्डोमिनल कैटास्ट्रोफी एग्जाम्पल पेरिटोनाइटिस और रपच्योर गैस्ट्रिक अल्सर पेनक्रियाइटिस पायरेक्सिया एब्डोमिनल पेन हेपेटोमेगली साल्मोनेलोसिस जनरलाइज्ड टॉक्सोप्लाज्मोसिस हिपैटिक अब्सेस हेपैटिक न्यूप्लाजिया पायरेक्सिया वोमिटिंग कन्वर्जन कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट इसकी है ट्रीटमेंट इज सिम्प्टोमेटिक एंड स्पॉटिव। बैक्टीरियल इन्वेजन साइप्रोफ्लोक्सासिन 5 से 15 मिलीग्राम पर kg पीओ नोविडेड 25 से 30 मिलीलीटर इंट्रावेस्कुलर। और लिवर टॉनिक यूज़ किया जाता है क्योंकि इस डिजीज़ के अंदर लिवर डैमेज होता है तो लिवर टॉनिक यूज़ होता है टू क्योर लिवर डिजीज। एंटी डायरियल कोगुलेंट ऑप्थाल्मिक एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपीन डॉग्स एंड कैट्स इंजेक्ट 1 मिलीलीटर फॉर ईच 20 बॉडी वेट एज एन एंटीडोट फॉर पैरासिम्थोमेटिक ड्रग 1 मिलीलीटर फॉर ईच 7.5 बॉडी वेट। It is suggested that 1/4 of the dosage is injected IV and remainder intramuscular or subcutaneous. Atropine ophthalmic ointment may alleviate the painful ciliary spasms sometimes associated with atropine eye drops. Sportive therapy, fluid balance and control hemorrhagic tendencies, although the transient corneal opacity which may be seen during the course of ICH are associated with vaccination with attenuated Cav1 vaccine. Usually require no treatment. Plasma or whole blood transfusion may be necessary in several ill dogs. Systemic corticosteroid are contraindicated for treatment of corneal opacity associated with ICH. Prevention and control. The best form of protection against the virus is through the vaccination. Vaccination ki jati hai. You will be pleased to know that some vaccines offer a duration of इम्यूनिटी ऑफ 3 ईयर्स। कुछ वैक्सीन 3 साल की इम्यूनिटी देती हैं। दिस मीन योर डॉग विल हैव इम्यूनिटी फॉर अ फुल 3 ईयर। इसका मतलब कि डॉग 3 साल के लिए इम्यून हो जाता है। वैक्सीनेशन इंक्लूड्स इंजेक्शन एट 10 वीक 14 वीक एंड देन ईयरली बूस्टर। वैक्सीनेशन 10वें हफ्ते 14वें हफ्ते और सालाना बूस्टर के तौर पर दी जाती है। रिकमेंडेड बाई वेटनेरियंस जैसा कि कोई वेट फिजिशियन प्रिस्क्राइब करें। Accessory note, liver damaging function, it synthesizes protein, glucose and clotting factor, it stores vitamin and mineral, it changes ammonia produced by deamination of amino acid to urea, it converts fatty acid to ketones, the resulting ammonia response produces a necrotizing inflammatory response that eventually leads to destruction of liver cells and development of cirrhosis. Autoimmune hepatitis is mainly in this disease. Thanks, ye thi aaj ki disease. इन्फेक्शियस कैनाइन हेपाटाइटिस। तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद इट फ्रेंड्स।